तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन बहुत जास्ती आती है। तो शुरुआत करते हैं एक नए पहल की जिसका नाम है क्रॉस। और क्रॉस में आज हम दो चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड और दूसरा नाम है डाई हाइब्रिड। तो उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। इसका वेटेज जो पेपर में बोर्ड एग्जाम में क्लास टेंथ में इसका जो वेटेज है बहुत ज्यादा है और बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मजा आने वाला है, गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करें, चलिए बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। आपको मैं आपको दो चीज बताने की कोशिश करूंगा, सिर्फ दो चीज। पहला ये कि जो मेंडल था उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, और मेंडल वो थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटाइगम। जो पी प्लांट है उसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना करा था और उसका नाम है क्या, पाइसम सटाइगम। और पाइसम सटाइगम के अंदर उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर को देखा था। इसका मतलब पाइसम सटाइगम के अंदर एक ही कैरेक्टर नहीं था, बहुत सारे कैरेक्टर थे। तो वो जो उनको कैरेक्टर दिखे, तो ज्यादातर मेनली जिन कैरेक्टर को हमें पढ़ना है एनसीईआरटी जो बोलती है वही सेवन कैरेक्टर को लेकर उन्होंने पढ़ा था। सही में तो मेंडल ने सात कैरेक्टर को पढ़ा था पाइसम सटाइगम के अंदर, पी प्लांट के अंदर। वो सातों कैरेक्टर आपके सामने है। पहला क्या था, प्लांट की हाइट उन्होंने पढ़ा था। दूसरा, फ्लावर पोजीशन देखा, फ्लावर कलर देखा, पॉड शेप देखा, पॉड कलर देखा, सीड शेप देखा और सीड कलर देखा। पॉड मतलब छिमनी होती है जिसमें मटर का दाना होता है। लेकिन तो कहा कि जब, अब समझिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्या है। तो बोले कि जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराने की कोशिश करी जाए, इसका मतलब कहा गया कि मान लीजिए हम ये सात कैरेक्टर थे, इसमें से एक कैरेक्टर को ले लिया जाए, उनके बीच में क्रॉस कराया जा रहा है। मतलब कि स्टेम की हाइट ले लिया, अब उनके बीच में क्रॉस कराया जाए तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर। अगर दो कैरेक्टर लिया तो डाई हाइब्रिड हो गया। अगर तीन कैरेक्टर लिया तो ट्राई हाइब्रिड हो जाएगा, और ढेर सारे और कैरेक्टर है तो पॉली हाइब्रिड हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ। तो एक कैरेक्टर को, तो मेंडल के बारे में हमें जो टेंथ का क्लास है हमें दो ही पढ़ने, सेकेंड ईयर में भी इतना है, नीट में भी इतना ही है। तो हमें मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पढ़ना है। तो मेंडल ने क्या किया था, जो अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था उसमें उन्होंने प्लांट की हाइट को लेके करा था। समझा, प्लांट की हाइट को। तो बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जिसमें जो आपको मैं बताने वाला हूं उसमें समझ लीजिएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या उन्होंने करा था, जो आपको बोर्ड में देखने को मिलता है, उन्होंने कहा स्टेम की हाइट को लिए थे। ठीक है, अब स्टेम की हाइट की बात करेंगे तो भाई जो स्टेम की हाइट होती है या तो वो टॉल होगी या तो छोटी होगी, या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। तो कहा जो लंबा है, जो बड़ा उसको टॉल बोलते हैं और जो छोटा उसे डॉर्फ बोलते हैं। तो जो टॉल है उसको हम जीन में एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से। कैपिटल टी दो बार क्यों लिखा सर, तो हमने कहा जीन हमेशा पेयर में काम करते हैं, ये दोनों जीन है। क्या है, जीन है ना। तो टॉल को हम कैपिटल टी लिखेंगे क्योंकि डोमिनेंट है, और डॉर्फ को स्मॉल टी से लिखते हैं। सही में ना। तो मेंडल ने सीड के बारे में भी, डाईहाइब्रिड में सीड के बारे में बताया गया है, तो वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेंडल ने सीड को लिया तो एक सीड का शेप होगा, एक सीड का कलर होगा। तो बोलेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में सीड के, अभी देखिए एक पेयर ये कैरेक्टर है, एक पेयर ये कैरेक्टर है, तो दो पेयर कैरेक्टर हुआ ना, तो डाईहाइब्रिड में दो पेयर कैरेक्टर को पढ़ा जाता है। मेरी पिछले लेक्चर में जब आप जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो डाईहाइब्रिड में दो पेयर को लेते हैं, एक पेयर ही रहा, एक पेयर ही रहा, आप समझते हैं। देखिए तो अगर सीड के शेप की बात करेंगे तो मटर का जो सीड होता है या तो वो राउंड होगा या तो रिंगल्ड होगा, या तो फूला होगा या तो पिचका होगा। तो जो राउंड होता है उसको कैटरा से बोलते हैं क्योंकि राउंड डोमिनेंट है। जो रिंकल्ड होगा उसको स्मॉल से बोलते हैं क्योंकि ये रेसिव है। क्या है, रेसिव है। लेकिन अगर सीड की बात करें तो येलो होता है या तो सीड या तो येलो होगी या तो ग्रीन होगी, आपने इतना ही देखा। तो येलो को हम कैपिटल वाइज से रिड्यूस करेंगे और ग्रीन को स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। समझ में आया। तो देखिए एक चीज हमको समझा दी, जैसे मान लीजिए ये है कि कहा मान लीजिए कोई सीड बन रही है और इसके अंदर ये जीन आ गया कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला, तो बताइए सीड क्या होगी। तो बोलेंगे ये सीड क्या होगी, राउंड होगी क्योंकि ये आर डोमिनेंट है और ये आर रेसेसिव है। तो जैसे मान लीजिए ये सीड है, अब ये सीड रिंकल्ड है तो इसका मतलब इसके अंदर जीन कौन सा आया, ये वाला आया।
यदि ये रेशियो है तो कहा रेशियो अपना काम तभी करता है जब उसकी जैसे लोग मिल जाते हैं। अब कहा मान लीजिए अभी इस सीट रिंकल छोड़ी, मान लीजिए मैंने कहा ये सीट है ऐसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई है, तो इस सीट का नाम क्या पड़ेगा, एलो हो जाएगी ये सीट। अगर मान लीजिए कोई ये सीड है अब इसके अंदर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो बोलेंगे क्या हो जाएगी ये सीड को क्या बोलेंगे, ग्रीन बोलेंगे। जब इसके अंदर ये रेसिड्यू वाला जीन आ जाएगा तो ये सीड क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए ये कोई एक सीड है, सिंपल सी बात, मान लीजिए ये कोई सीड है, अब इस सीड में कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया तो इस सीड को हम क्या बोलेंगे, राउंड ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये स्मॉल आर डोमिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब तक कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर ही डोमिनेट हो सकता है। ऐसे मान लीजिए ये सीड है, अब वाई स्मॉल वाई हो गया तो क्या ये सीट क्या होगी, ये सीट तब भी क्या होगी एलो, इसका कलर क्या होगा, एलो ही होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट हमेशा अपने एक्सप्रेशन शो करता है, भले उसके साथ कोई रेसेसिव हो लेकिन डोमिनेंट वाला ही अपने एक्सप्रेशन को शो करने वाला है। सही में आया ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेंडल ने ये कहा था, मेंडल ने इतना पढ़ा था, इस टाइप की हाइट को लिया था तो मोनोहाइब्रिड में उसको देखा गया, एक पेयर इसमें जो लिया दो, तो सीड का शेप लिए थे और कलर लिए थे, ये सिंपल इसी बात है, इसी को हम मोनोहाइब्रिड में यूज कर डायहाइब्रिड में यूज करते हैं। समझ में आया ना आपको, चलिए कोई डाउट नहीं इस पर। अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोर्ड में आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो उसको आप समझ लीजिए कैसे लिखेंगे बोर्ड में, अगर आ गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको बताइए समझाइए, तो बोलेंगे कि मोनोहाइब्रिड अगर क्रॉस की बात करी जाए तो उसमें स्टेम के हाइट को लिया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है। तो उसमें अपने हमने कहा ऊपर लिखा टॉल डॉट, टॉल लिखेंगे डॉट, भाई स्टेम या तो टॉल होगी पेड़ या तो लंबा होगा या तो छोटा, यही होगा ना। तो कहा टॉल डॉट को लिया गया, ये पेरेंट है और इनको अगर हम जीन में तब्दील करेंगे टॉल वाले को तो कैपिटल टी कैपिटल टी लिख सकते हैं, डॉट को स्मॉल टी लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब अगर ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो ये जब सेम है तो एक टी यहां निकालो गैमेट बनो, ये गैमेट है। अगर जीन को गोली में रखा गया है तो इसका मतलब वो गैमेट बन चुका है, यहां क्या बनेगा, ये भी गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा ना। समझ में आया ना, क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। ये क्या है भाई, ये गैमेट बन गया है। चलिए अब कहा जब गैमेट बन जाएंगे तो ये दोनों अब ये से मिलेगा, जब इससे मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना, तो ये क्या होगी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब ये है जब पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं और उनके द्वारा जो पहला बच्चा पैदा होता है, जितने भी बच्चे पैदे होते हैं वो किसमें आते हैं, F1 जनरेशन में होते हैं। इस समय में आया, चलिए अब देखिए इसमें कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल टी में से हमने एक एक जीन को निकाला है, बाकी और निकालते तो दो जीन निकालता, दो जीन से क्रॉस करते तो चार जीन बन, चार गैमेट बनते, लेकिन हमें बनाना कितना सिंपली समझा देना, आपको ऐसे लिख देना है कि इसमें से एक जीन निकाला कैपिटल टी, इसमें से एक जीन निकाल लीजिए इस क्या है स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब जीन सेम होते। अब इनको मिलाया कैपिटल टी स्मॉल टी, अब बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी जब आ गए इसका मतलब क्या हुआ, कि जो टी वाला है वो टॉल है और जब भी ये डोमिनेंट जीन होगा तो सारे प्लांट टॉल होंगे, तो बनेंगे ऑल प्लांट टॉल, इसका मतलब इसमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल होते हैं, कोई डार्क डार्क का कोई नामो निशान नहीं आता। उसके बाद हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन जो होंगे F1 पेरेंट होंगे आपस में क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, उसके बाद इनकी इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के दौरान ये देखिए गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई सेम बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये गैमेट बन गया। अब जहां समझने की बात है अब यहां समझते हैं, देखिए दो बात होती है, अब इस वाले को दो बार इससे मिले, एक बार इससे मिलाइए फिर इसी को एक बार इससे मिलाइए फिर इसको एक बार इससे मिलाइए फिर इसको एक बार इससे मिलाइए, वही आपको करना है। हमने देखा, हमने कहा जब इसको हम इससे मिलाएंगे कैपिटल टी को कैपिटल टी से तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी ध्यान देखिए, अब इसको हम इससे मिलाएंगे इसको इससे मिलाएंगे दो बार मिलाना है तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। अब इसको इन दोनों से दो दो बार मिला, इसका मतलब इसको इन दोनों से बात करा दो, कहा भाई स्मॉल टी चला कहा कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ठीक है ना। आप सर कैपिटल टी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो डोमिनेंट होगा वो पहले लिखा जाता है और जो रेसिड्यू होता है बाद में लिखा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको इससे मिलाइए तो क्या
स्मॉल टी स्मॉल टी, मिला ना। तो हमने कहा एक को इसमें जो आपको दिख रहा है, एक को इन दोनों से बात करा दो, इसको इन दोनों से बात करो, बात कर ले अपना पीआर बना ले भैया आपको आओ संबंध में। अब ये क्या बन गया, ये सारे सारे क्या है, ये एक्टू जनरेशन है, ये सारे क्या है एक्टू जनरेशन है। जब यफ वन पेरेंट क्रॉस एक दूसरे में करते हैं तो उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, जब यफ वन पेरेंट एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं एफ टू जनरेशन। ये एफ टू जनरेशन हो गया। अब क्या इसी चीज को आपको, ये तो मेंडल की कार्डिंग है, अगर आप चकर बोर्ड में आएंगे तो हमने कहा ये गैमेट था हमने यहां रख दिया, 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 कुछ करना ही नहीं, सिंपल लिख दे चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए, बात दोनों की सेम। तो यहां भी कर लिया हमने, अब यहां कर लेते हैं और करके देखिए लिखा है, इसको हम यहां लाते हैं। सो ये हमने कहा गैमेट रख दिया। अब देखिए डब्बे के ऊपर कैपिटल टी, चलिए डब्बे के सामने कैपिटल टी, वही वाला सिस्टम, ये आसान है ज्यादा। डब्बे के ऊपर स्मॉल टी, डब्बे के सामने कैपिटल टी, डब्बे के ऊपर कैपिटल टी, डब्बे के सामने स्मॉल टी, डब्बे के ऊपर स्मॉल टी और डब्बे के सामने स्मॉल टी, सारी चीजें वही आए ना सेम टू सेम। अब एक बात बताइए, हमने जो जो चीज आपको बतानी थी, अब मान लीजिए कैपिटल टी है, ठीक। अब कैपिटल टी है तो ये प्योर टॉल होगा ना, ये प्योर टॉल है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये टॉल है, और स्मॉल टी ये क्या है, इसको डॉर्फ हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे डॉर्फ बोलेंगे। चलिए हम इसकी फ्रंट पिक रेशियो निकालते हैं, फ्रंट पिक रेशियो का मतलब कितने टॉल है। तो हमने कहा टॉल की अगर हम बात करेंगे, टॉल की तो टॉल ए भी है, ये भी है, ये भी, क्योंकि भाई भले ही ये पूरा होमोजाइगस में नहीं है लेकिन डोमिनेंसी कैपिटल टी की ही रहेगी ना, यहां तो पूरी पूरी है लेकिन यहां इसकी भी रहेगी। तो हमने कहा कि टॉल हमारे पास तीन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तो बोलेंगे टॉल जो है टॉल रेशियो डॉर्फ का जो आ रहा है वो कितना है, 3:1। सर कैसे 3:1 है भाई, 3 देख लो, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, सबके अंदर कैपिटल टी है, और जब कैपिटल टी है इसका मतलब वो प्लांट टॉल ही होगा, इस बात को सियोरिटी लेके चलेंगे। उसके बाद डॉर्फ कितना है, एक है, क्यों एक है, क्यों एक है भाई, स्मॉल टी है ना, ये रस्सी है ना, रस्सी ये कहता है कि जब मेरे जैसा कोई और आएगा तब मैं अपने एक्सप्रेशन को शो करूंगा, और यहां इसको अपने जैसा कोई मिला और एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है। अब जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप में आपको पूरे जीनोटाइप लिखना होता, लिख लीजिए यहां, ये क्या है कैपिटल टी, फिर रेशियो स्मॉल टी, रेशियो बीच में जरूर डालेंगे, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद रेशियो स्मॉल टी। अब ध्यान से देखिए जीरो टिपिक रेशियो में आपको जीरो टाइप लिखना होता, फिर टिप में आपको सिर्फ बताना रहता है कितने टॉल है कितने डार्क, तो आपने बता लिया, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने कहा ये देखिए ये कितनी बार है, ये जी कितनी बार आया, एक बार आया है, ये कितनी बार आया है, सेम सेम है ना, तो ये दो बार आया है और ये कितनी बार आया है, एक बार आया, तो हम क्या लिखेंगे कि जेड टू रेशियो 1:2:1 है। तो हमसे पूछा जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। समझ में आया, कोई डाउट, कोई मन में मलाल, कोई मन में मलाल नहीं है ना, तो यही इतना आपको लिखना होता है, ठीक है ना, क्या लिखना होता है, इतना ही आपको लिखना होता है। अब देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा, इसमें पूछता है कि मेंडल का कंक्लूजन क्या था, तो भाई मेंडल का या मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस कराया गया था, मेंडल ने कराया था, उसके बाद उनको कंक्लूजन मिला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मिला था। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जो ये दोनों एलील है, अभी तो आपको पेयर में दिख रही है, ये जो दोनों एलील है, ये भी एलील है, ये भी एलील, कोई भी एलील है, ये आपको पेयर में दिख रही, तो लॉ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ये जो दोनों एलील हैं जो फ्रंट पेरेंट में, ये दोनों अभी आपको एक साथ दिख रही हैं, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यही लॉ सेग्रीगेशन कहता है। अभी आपको सेम सेम है ना दिख रही, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और जब गैमेट बनेगा तो मियोसिस होना है, ये तो सिंपल सी बात, और जब मियोसिस होगा तो इनको अलग कर देगा, तो जब अलग अलग हो गए ना तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है, सिंपल सी बात है कि जो एलील पेयर में होती है और जब उनमें सेग्रीगेशन होता है और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलील जो पेयर में होती है वो अलग अलग हो जाती है, यही कहता है क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है। बोर्ड पेपर में आपसे पूछेगा राइट
कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो क्या है, लॉ सेग्रीगेशन है। समझ में आया? तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस की आई। अब हम डायहाइब्रिड की तरफ आते हैं, किसकी तरफ आते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो डायहाइब्रिड में हमें पढ़ाया गया कि हमें डायहाइब्रिड में सीड का शेप और कलर लेके चलना है। तो हमने कहा हम एक राउंड एलो सीड लेते हैं और एक रिंकल एलो रिंकल ग्रीन सीड लेते हैं, राउंड एलो और रिंकल ग्रीन सीड लेते हैं। तो हमने कहा राउंड वाले को हम कैपिटल आर से लिखते हैं और एलो वाले को कैपिटल वाई से लिखते हैं, रिंकल वाले को स्मॉल आई स्मॉल आर से और ग्रीन वाले को स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सर दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा पेयर में काम करते हैं, ला पेयर फैक्टर। चलिए अब हमने कहा ये जो दीने ये होमोजाइगस में, ये भी होमोजाइगस में, ये भी होमोजाइगस में, ये भी होमोजाइगस में, तो हमने कहा एक ही निकाल लिया मतलब सेम है। यहां से एक आर निकाल लिया, यहां से एक वाई निकाल लिया, जो होमोजाइगस है, जब होमोजाइगस है तो मतलब सेम है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब दो जीन एक जैसी हो, तो ये दोनों एक जैसी नहीं है तो होमोजाइगस नहीं, तो निकाल लिया हमने सिंपल सिंपल। अब जब इनको हम मिलाएंगे इनसे तो हमें पता है इनसे चार गैमेट बनेंगे, लेकिन हमने एक ही को बनाया है। तो हमने देखा कि जब ये इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल, भाई कैपिटल आर है ये, इसके जैसा सिमिलर थी इसके पास ही चिपकेगा ना, ये भाई जाति जाति वाले हैं। अभी कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई से स्मॉल वाई ही चिपकेगा ना, है कि ना, क्योंकि जिन हमेशा पेयर में काम करते, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तभी तो हमने इनका काम होगा। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये एफ वन जनरेशन आ गया, एफ वन जनरेशन आसानी से निकल गया, आप आसानी से निकाल भी लोगे, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जब हम F1 पेरेंट का, जब F1 पेरेंट की हम सल्फिंग करते हैं तब हमें दिक्कत आती है कि सर ये था ना, तो हमने अब इनके बीच में सल्फिंग हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला तो हमने कहा देखिए इनको ऐसे लिख दिया। अब इसी चीज को आपको समझना है, अब इसी चीज को आपको समझना है कि कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे हमने किया था सिंपली मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करा था, तो वही सेम से प्रोसीजर है, बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली जो करना है आप कर सकते हैं। देखिए हमने कहा इसको इन दोनों से दो बार मिला दो, इसको इन दोनों से बात करा दो, इसको इन दोनों से बात करा दो, मामला साफ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसको इन दोनों से एक बार बात करा दो और इसको इन दोनों से एक बार बात करा दो, बात कर ले अपना मीटिंग कर ले। तो कहा कि आर गया वाई के पास, कहा आओ ये लो, अभी गैमेट बन रहे हैं, याद रखिएगा गैमेट बन रही है, हो गया। चलिए अब इसको इससे मिला दो बार, आई ये कैपिटल आर स्मॉल, इसको इन दोनों से दो बार मिला दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसे मिला दो इससे स्मॉल आर स्मॉल वाई, मेरे ना सेम प्रोसीजर वहां यहां भी वही होगा। चलिए इसको दो बार बात करिए इन दोनों से, इसको इन दोनों से बात करा दीजिए, बस कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया ना। अब इसको इन दोनों से बात कराइए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया ना, बना कि नहीं। ये सारे क्या है, गैमेट, क्या है गैमेट, क्या है सारे, ये सारे क्या है, ये सारे गैमेट, सही है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे गैमेट हैं और इन्हीं अपना क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो ये सारे गैमेट बन गए। अब हमने कहा अगर इनको हमें डायरेक्ट बनाना, एक फॉर्क लाइन मेथड है, डायरेक्ट आपको सिखाते हैं डायरेक्ट कैसे इनको बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं जैसे हमने लिखा है। इसमें अगर आपको याद रखना कि इसके कैसे कैसे गैमेट बनेंगे ये दोनों, तो आप ऐसे जैसे मान लीजिए लिखा है कैपिटल आर, यहां सिखा देते हैं, आप यहां सीख लीजिए, जैसे लिखा हो कि पूछा ये गैमेट, अगर आपको डायरेक्ट गैमेट निकालना है वो भी हिट्रोजाइगस, वो हिट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए। हिट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब ये होता है जिसमें गैमेट अलग अलग हो, कैपिटल आर अलग है स्मॉल आर अलग है। और होमोजाइगस का होगा जब दो, जैसे ये होमोजाइगस है तो होमोजाइगस का डायरेक्ट गैमेट नहीं निकल सकता है, हमें पता। तो ये देखिए कैसे निकलेगा, सिंपली देखिएगा। तो हमने कहा कि ये पूछे इसमें कितने गैमेट निकलेंगे, तो सिंपली आप गैमेट बना सकते हो डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे कैपिटल आर ऊपर कैपिटल आर स्मॉल आर नीचे, हो गया कैपिटल आर ऊपर स्मॉल आर नीचे कर दो। उसके बाद इसको इन दोनों से मिलवा दो, इसको इन दोनों से मिलवा दो, तो भाई मिलवा दो, मिल गए, मिलवा दो, मिल गए,
मिल गए। उसके बाद देखिए गैमेट वही वाला यहां आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, वही देखिए गैमेट डायरेक्ट यहां बने। तो इससे भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ गैमेट कितने बने तो 1 2 3 4 बनेंगे, समझ में आया। तो डायरेक्टली इसको हम निकाल लेते हैं, तो आपको रटना ही नहीं है इसको। अगर आप सिंपली आपको नहीं याद है तो आप ऐसे सीधे बोलेंगे, एक सीधे बोलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर को हमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से मिलाना है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से मिलाना है। आप मिला के आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अब चलिए इनको हम यहां रखते हैं। तो हमने कहा गैमेट को उतारो, तो गैमेट रटने की, अब मान लीजिए यहां आपको रखना है तो याद नहीं, सिंपल से याद करेंगे, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक बता देते ऐसे कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कुछ भी नहीं आपको रटना है। बहुत ही अच्छा ट्रिक्स हमारे पास, आपको ऐसे बना लिख दिया ना कैपिटल आर कैपिटल आर। हमने कहा आपको गैमेट ये समझ में नहीं आया, सर कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ऐसे लिख देंगे सिंपली, दिख रहा है ना। उसके बाद सिंपल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ में आ रहा है ना। बहुत ही आसान है आपके लिए हमने बनाया है, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो यार, बड़ा मजा आने वाला है, समझ में आ रहा। चलिए अब इनको भरना है, भरना तो बड़ा ही आसान है, सिंपल। डब्बे के ऊपर कौन, डब्बे के ऊपर कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो याद रखिएगा सिमिलर जीन एक साथ, सिमिलर जीन एक साथ, तो कैपिटल आर और कैपिटल, तो ऐसे लिखेंगे तो कैपिटल आर के बगल में कौन आएगा, कैपिटल आर ही आएगा। तो इसको सर आपने कैसे लिख दिया, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक्स है। देखिए डब्बे के ऊपर कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, डब्बे के सामने कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो सिंपल सी बात है आर के बगल में आर ही आएगा क्योंकि सिमिलर जीन है, और कैपिटल वाई के बगल में कैपिटल वाई ही आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं राउंड एलो। चलिए अब देख लीजिए, ये डब्बा, इस डब्बे के ऊपर कैपिटल आर, इस डब्बे के बगल में कैपिटल आर, तो इनके पास ही आएगा। उसके बाद सर यहां कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो क्या सर इसको इधर लिखेंगे, उसके बाद ये है, सिंपल सी बात है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो और मजा आ जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो हमने कहा कि आपको क्या लिखना है, आपको डोमिनेंट को पहले लिखना होता है, रेसेसिव को बाद में लिखना होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। चलिए इसके ऊपर देखिए ये क्या है, देखते ही डब्बे के ऊपर क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, और यहां क्या है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ये रहा ये। अब मैं स्पीडली लिख रहा हूं जैसे मैंने बताया, ऐसे लिखिएगा। यहां देख लीजिए डब्बे के ऊपर स्मॉल आर और इसके सामने कैपिटल आर, तो बताइए सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले यही आएगा ना, क्योंकि इससे ये रेसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट, तो सबसे पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा, समझ में आ रहा। चलिए उसके बाद देखिए डब्बे के ऊपर स्मॉल वाई, डब्बे के सामने कैपिटल वाई, तो पहले कैपिटल वाई आएगा फिर ये आएगा, समझिए। अब मैं स्पीडली भरूं, चलिए सिंपल से बताते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, चलिए कैपिटल आर स्मॉल, ये रहा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ में आ रहा ना। देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आप भरेंगे। बस जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो यहां आप लिख लीजिएगा राउंड येलो राउंड ग्रीन, ये आप लिख लीजिएगा, ये लिखना पड़ता है, समझ में। ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान है। क्या देखना है आपको एक बार और समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए एक बार ध्यान से चल लीजिए, अगर आपको एक समझ में आ गया तो सारा समझ आएगा आपको कैसे लिखना है। सिंपली मैं आपको समझाता हूं, बस एक मिनट अपनी जिंदगी का आप दे दीजिए। हमने कहा ये डब्बा है, मान लीजिए से पूछा इसमें क्या आएगा, तो बोलेंगे डब्बे के ऊपर कौन, कैप स्मॉल आर स्मॉल वाई, डब्बे के सामने कौन, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो देखिए स्मॉल आर स्मॉल आर, तो कोई झिकझिक नहीं है, सीधे लिख दीजिए,
हो गया। चलिए क्योंकि जी एक साथ लिखी जाती है। अब इसके ऊपर कैपिटल वाई, इसके सामने कैपिटल वाई, तो इसमें भी कोई जिग जिग नहीं है। अब आ जाइए यहां एक और सुनाते हैं। कैपिटल डब्बे के ऊपर स्मॉल आर, कैपिटल वाई डब्बे के सामने कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो देखिए स्मॉल आर और कैपिटल आर में डोमिनेंट कौन है? कैपिटल आर है, कैपिटल वाला पहले आएगा, फिर स्मॉल आर बाद में आएगा। डब्बे के ऊपर अब क्या बचा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो बताइए कैपिटल वाई पहले होगा कि स्मॉल वाई? क्योंकि वाई क्या है? कैपिटल है, वो डोमिनेंट होगा। ये आ गया, अब समझ में आया ना, कोई दिक्कत? चलिए तो हम बोलेंगे सिंपली, आपसे पूछिए कि इसका फिनोटाइप बताइए। इसका फिनोटाइप ये है, इसका रेशियो 9:3:3:1 आएगा, ठीक है ना, 9:3:3:1 आएगा। इसका मतलब 9 जो होंगे वो राउंड ए लोग होंगे, 9 प्लांट, और जो 3 होंगे वो राउंड ग्रीन होंगे, और जो 3 होंगे वो रिंकल्ड येलो होंगे, और जो 1 होंगे वो रिंकल्ड ग्रीन होंगे। समझ में आया ना? इसका मतलब ये रेशियो में 9:3:3:1 में आपको ये इतना जानना है। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि 16 डब्बे तो बन रहे हैं लेकिन उसमें 4 ही टाइप के आएंगे, बस उनका नंबर ज्यादा है। तो कहा राउंड येलो का 9 बार आया है, राउंड येलो जो सीड है 9 बार है, जो राउंड ग्रीन है वो 3 बार है, बस इनका नंबर ज्यादा, लेकिन बनने कितने? 4 ही किस्म के बनेंगे, बस इनका नंबर ज्यादा होगा। राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन। समझ में आया ना? तो राउंड इतने ही बनेंगे। तो ये आपका फिनोटाइप हो गया। और अगर आपको जीनोटाइप याद रखना है, आपको जीनोटाइप सिर्फ इतना याद रखिएगा, बोलेगा 121 बीच में डॉट लगा दीजिए, बस इतना याद रखे, ये लिख दीजिएगा। आपसे नहीं पूछ गए कैसे आया है 121 आपको बता देना है, बहुत ही आसान ट्रिक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही अच्छा हमने बताया है। आपसे पूछेगा कि डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 9:3:3:1। जेनोटाइपिक कितना होता है? 1:2:1। तो बोलेंगे सिंपल सी 121 बीच में इनको डार्ट लगा दीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक्स है। इतना आपको मोनोहाइब्रिड, जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस में इतना करेंगे तब आपको सब कुछ, तब आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। इसको आप याद रखिएगा। समझ में आया? तो चलिए इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक ट्रिक्स हम बता देते हैं, एक जो अच्छी ट्रिक्स है, आपके लेवल में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछेगा ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो कैसे आई? तो आप ऐसे चेकरबोर्ड बना दीजिए, इससे आपसे क्या आप भी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपसे कोई पूछे कि ये आपने जो कहा है 9 राउंड येलो, इसका मतलब 9 क्या है? ये जो प्रोजनी है ये 9 राउंड येलो है, तो 9 कहां है? 3 कहां है? 3 कहां है? 1 कहां है? बताएंगे आप कहा गिनेंगे आप दौड़ के? ये भी बात सही। अब ऐसे आप गिन लोगे तभी आपको पता चलेगा, सिंपल के बाद नाम लिखोगे राउंड येलो राउंड ग्रीन। समझ में आना? तो आप इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको सिंपली, ठीक है ना। तो 9 कहा, तो आप ऐसे बताओगे कि ये जो 9 राउंड येलो है ये कहां कहां था? ऐसे बना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपसे पूछे कितना, तो आप बताएंगे कि ये जो डब्बा पूरा है ठीक, और ये जो डब्बा पूरा है, और ये जो आपको सीधा दिख रहा है, ये सारे के सारे जो होंगे ये क्या होंगे? पूरे के पूरे राउंड येलो होंगे। इसका मतलब इस डब्बे वाला, 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 सारे के सारे 9 होंगे। इसका मतलब ये क्या है? ये 9 वाले हैं ठीक। अब 3 वाले बच्चे, तो इधर देखिए 1 2 3, तो ये जो आपको दिख रहा है ये 1 2 3, यहां आपको दिखा ना कोलेदार वाला, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो तीनों है ये क्या हो 3, ये क्या होंगे? राउंड ग्रीन वाले होंगे। इस 3 डब्बे में आपको राउंड ग्रीन मिलेगी। उसके बाद यहां बचा 1 2 3, तो ये बचा ना, ये सारे के सारे, ये 3 होंगे रिंकल्ड येलो वाले, ये तीनों। उसके बाद ये जो बचा वो क्या होगा? वही 1 है, ये क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये 3 जो रिंकल डेलो बने कहां कहां बने? सिंपली बता रहे हैं यहां यहां बने, सीधे लिख दो यहां यहां बने। समझ में आया ना? तो हमने क्या सीखा कि ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है? ये राउंड डेलो 1 1, ये क्या है?
ये वन वन ये क्या है, ये राउंड ग्रीन है, और ये क्या है, ये रिंकल येलो है, और ये क्या है, रिंकल ग्रीन है। सही में तो ये देखिए ये 9833 कैसे आया समझ में आ गया। चलिए अब का सर जीनोटाइप बता दीजिए, तो जीनोटाइप में हम आपको ये भी बता देते हैं कैसे वन एसे टू डी सी वन आया है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब सर जीनोटाइप बता दीजिए, तो हमने कहा कि देखिए राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो हमने कहा ये राउंड येलो होगा, ये राउंड ग्रीन होगा, ये रिंकल येलो होगा, ये रिंकल ग्रीन होगा। आपको ऐसे करना है राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, बस इन्हीं का रिवीजन हो जा रहा है बार बार। तो हमने कहा राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल येलो रिंकल ग्रीन, तो वन वन रेशियो हो गया, वन 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 बनेंगे ना, इन्हीं का नंबर ज्यादा है ना, इन्हीं का नंबर बढ़ रहा है ना सिर्फ भाई, नौ वाला जो राउंड येलो इनका नौ इसमें है, तो ये तो सर जीरो टाइप जो होता है सर ये कैसे, ये वन रेशियो टू रेशियो, तो हमने कहा जो सबका जीरो टाइप, देखिए अब सिंपल सी बात है, ये जो जीनोटाइप है इस जीनोटाइप से अलग है ना, तो ये कहां कहां सेम सेम आया है, जैसे चार बार, अब चार बार देखिए ये सेम सेम आया है, ये जीनोटाइप सेम सेम आया है, तो इसी को हम बता दें कि ये रेशियो कैसे, तो बोलेंगे वन 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 टू टू वन टू टू रेशियो, तो टू वाला जो जीनोटाइप है देखिए ये दोनों सेम सेम होंगे, ये जीनोटाइप तो यही लिखा है, फिर वन वन फिर टू वन टू ठीक, फिर फोर वन टू थ्री फोर टू वन टू वन वन फिर टू टू फिर वन वन, तो ये जीनोटाइप है सर। ये क्या आप बताएं, जैसे मैंने आपसे पूछे कि ये जो दोनों जीनोटाइप हैं इनका नाम लिखिए, इनके बारे में बताइए, ठीक है ना, तो ये जो दोनों जीनोटाइप है कहां पे है ये दोनों, अब ये दोनों कहां है देखिए, ये दोनों यहां है ना, तो ये वाले ये दो जीनोटाइप, ये वाले वन वाला कहां, ये वाला यहां है, इसका मतलब ये आपको यहां नहीं पूछे, नीट में ऑप्शंस आते हैं आपको यह पूछे गए नहीं, सिंपल ही बात है, समझ में आया, तो ये आपको हमने सिखाया कि ये रेशियो कैसे आया है, समझ में आया, ये पूरा आपको समझ में आया। एक चीज और आपको सिखा देते हैं हम आपको एक चीज और सिखा देते हैं सिंपल, ताकि आपको कहीं संशय ना हो। चलो अब देखिए, अब इसमें आपसे पूछ ले कि जैसे मान लीजिए जैसे लिखा आर आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, तो ये बताइए ये क्या होगा, ये राउंड येलो होगा ना, ये राउंड होगा, और ये क्या होगा, येलो होगा, क्यों, क्योंकि देखिए सिमिलर जीन है, और जब सिमिलर जीन में जो डोमिनेंट होता है वो कैपिटल लेटर होता है, तो ये कैपिटल वाला राउंड है, तो ये राउंड ही सीड होगा, येलो ही होगा, समझ में आ रहा है। या तो आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि मान लीजिए कोई भी जीन है, अगर सिंपल सी बात देखिए R और Y ये दोनों डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट है, और ये डोमिनेंट है इनके साथ, इनके जैसा कोई, अब इनका स्मॉल लेटर आएगा, जैसे इसका स्मॉल लेटर क्या है Y है, और इसका क्या है R है, तो अगर इसके साथ आता है तो पूरा एक्सप्रेशन इसका दिखेगा, इसका मतलब राउंड ही वो चीज बनेगा, और इसके साथ ये आएगा तो इसका येलो ही बनेगा, लेकिन जब ये अपने अकेले साथ कहीं मिल जाए चुपके से, देखिए यहां मिल गया तो ये ग्रीन हो गया, यहां गया है तो रिंकल्ड हो गया, तो ये जब अपने एक साथ अपनी ऐसे इसको कोई मिलेगा तब ये अपने एक्सप्रेशन शो करेगा, अगर ये डोमिनेंट के साथ है तो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करके इस बात को हम लेके चलेंगे, और ये अगर देखिए अपने इसको अगर कोई मिल गया तब ये अपना एक्सप्रेशन ग्रीन शो करेगा, अदरवाइज तब तक उसको येलो ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस बहुत आसानी से हमने आपको खत्म कर दिया, और बस अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पढ़ना है बायोलॉजी तो, और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारा सपोर्ट करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि और बच्चे जो जिनको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहे वो बेहतरीन से समझ सके। बस हमारी दुआ है कि आपका बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आए, और आप बहुत अच्छा मार्क्स पाए, आपका भविष्य उज्जवल हो, बस हमारी मनोकामना यही है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, मजा आ जाएगा आपको उस लेक्चर में, तो और बेहतरीन मैं आपको बताने वाला हूं, ये भी बहुत बेहतरीन ही था, बस पढ़िए और मस्त रहिए।